छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय चैनल आरएनएन न्यूज सीजी को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपके आसपास की छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले पाने के लिए 24 घंटे रहे अपडेट। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल आरएनएन न्यूज, खबर आप तक। ज्योत्सना महंत को कोरबा लोकसभा से सांसद बनने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विलित हरी सिंह राठिया सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत रजगामार जिला कोरबा छत्तीसगढ़। बहन ज्योत्सना महंत जी को कोरबा लोकसभा से सांसद बनने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत खेलन नगारची जिला सचिव आदिवासी प्रकोष्ठ कोरबा। रामपुर विधायक एवं पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर ने एक बार फिर क्षेत्र के लोगों को पेंशन न मिलने की शिकायत को लेकर कलेक्टर से मुलाकात की। उन्होंने इस दौरान कलेक्टर को किसानों की समस्या से भी अवगत कराते हुए राजस्व विभाग में बढ़े भ्रष्टाचार की शिकायत की है। मीडिया से बात करते ननकी राम ने कहा कि जिले के पटवारी लोगों से बी वन खसरा जारी करने पैसों की मांग करते हैं, जो पूरी तरह से अनुचित है। उन्होंने कहा कि जो भी गलत कर रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो मेरे घर का ही क्यों ना हो। आप लोगों को याद है पेंशन एक दो महीने का दिए, उसके बाद जय श्री राम हो गया, अभी पेंशन नहीं दे रहे हैं। 1,500 पेंशन देने की बात बोले थे, अरे कम से कम जितना देते थे उतना तो दो। दूसरी चीज़ किसी की जमीन की समस्या है, अब नवोदय विद्यालय है छुरी में, उससे कंपनसेशन पहले तो बोले वो जमीन ही नहीं इक्वायर किया गया। हमने कहा कि भाई नाप तो लो, नापने के बाद में इंक्वायर किया, वो भी एक समस्या। अब किसी व्यक्तिगत का समस्या को भी तो देखना है, तो यही बता रहा हूँ, जितना मैं बता रहा हूँ सबको। पटवारी क्या बोलते हैं, इस समय ऑनलाइन किए हैं, किसी का खसरा कहीं जा रहा है कहीं पटवारी सुनने वाला नहीं। और एक गाँव में तो पटवारी क्या बोलते हैं, हर किसान से 200 रुपया करेक्शन करने के लिए, मतलब वो रिकॉर्ड में चढ़ाएगा दुरुस्ती करने के लिए उसके। अरे भाई पुराना आपका रिकॉर्ड है, उसके हिसाब से तुम्हारा चढ़ाने की जिम्मेदारी है। तो हम इस बात को लेकर के हमने कहा है कि भाई पटवारियों को तहसीलदारों को इस विषय पर। उन्होंने इस दौरान एक बार फिर अपने पुराने दर्द को बयां किया और निलंबित IPS मुकेश गुप्ता के प्रकरण का जिक्र करते उन्होंने कहा कि मेरी सरकार थी तब कार्रवाई तक नहीं हुई, दिल्ली में भी सुनवाई नहीं हुई, इसका मुझे तकलीफ था, वर्तमान सरकार ने कार्रवाई करते निलंबन किया है। हालांकि उन्होंने भूपेश सरकार की सराहना करने से यह कहते इनकार कर दिया कि एक कार्य के ऊपर आंकलन नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट आरएनएन न्यूज़।